गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड जनरेटर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे। कंपाउंड जनरेटर में किस प्रकार हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको है, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर किसी लोड को 400 वोल्ट पर 100 एम्पीयर करंट प्रदान करता है। यदि उसके आर्मेचर का प्रतिरोध 0.1 ओम है, यदि उसके आर्मेचर का प्रतिरोध 0.1 ओम है, तो सीरीज फील्ड का प्रतिरोध 0.03 ओम है। सीरीज का प्रतिरोध कितना है? 0.03 है। तथा शंट फील्ड का प्रतिरोध 200 ओम हो तो उत्पन्न ईएमएफ, अर्थात इस कंपाउंड जनरेटर से जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसका मान कितना होगा, तथा आर्मेचर करंट का मान, अर्थात ये जो आर्मेचर करंट आप आर्मेचर देख रहे हैं, इस आर्मेचर का करंट का मान कितना होगा। यदि ब्रश वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज कितना हो, ब्रश ड्रॉप वोल्टेज 1 वोल्ट हो, तो हर एक क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको नोट करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, लोड करंट दिया हुआ है आईएल 100 एम्पीयर यहाँ पर है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लोड वोल्टेज, लोड वोल्टेज अर्थात टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना है हम लोग का 400 वोल्ट। आर्मेचर का प्रतिरोध आर ए, तो आर ए हम लोग का दिया हुआ है 0.1 ओम, 0.1 ओम। सीरीज फील्ड का प्रतिरोध, सीरीज फील्ड का प्रतिरोध अर्थात इसका प्रतिरोध कितना है, 0.03 ओम। और शंट फील्ड का प्रतिरोध, तो शंट फील्ड यहां पर ये है तो इसका प्रतिरोध है 200 ओम, ये 200। और ब्रश का जो वोल्टेज ड्रॉप है कितना है, 1 वोल्ट है, ये हम लोगों ने नोट कर लिया। अब नोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले संट करंट का मान ज्ञात करेंगे। तो आई एस एच इजकल टू वी बाई आर एस एच, तो वी हो गया हम लोग का कितना 400 वोल्ट और ये हो गया 200 एम्पीयर। आईएसएच हम लोग का निकला 2 एम्पीयर। अब हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि आर्मेचर करंट जो होता है आई ए इजकल टू क्या होता है हम लोग का, आईएसएच प्लस आईएल, आईएसएच प्लस आईएल इजकल टू आईएसई, अर्थात ये तीनों करंट जो होता है वो बराबर होता है। तो जब ये बराबर होता है तो हम लोग को यहाँ आईएसएच निकल गया और आईएल लोड करंट हम लोग को पता है 100 एम्पीयर। अगर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं तो हमको आईए का मान निकल जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं आईए इजकल टू या तो ये लिखे या ये लिखे, तो हम लोग यहां लिख देते हैं आईएसएच प्लस आईएल, तो आईएसएच हो गया हम लोग का 2 एम्पीयर और आईएल है 100, तो 102 एम्पीयर। तो ये हम लोग का जो पहला था आर्मेचर करंट का मान ज्ञात करना था, ये वाला ये हम लोग फाइंड कर लिए। आर्मेचर करंट का मान कितना होगा, 102 एम्पीयर। अब हम लोग क्या करेंगे कि वोल्टेज निकालना है, ईएमएफ निकालना है कि ईएमएफ कितना होगा, उत्पन्न जो कंपाउंड जनरेटर से जो उत्पन्न ईएमएफ है उसका मान कितना होगा। तो ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग का जो सूत्र है, ई इजकल टू वी टी प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस सीरीज फोर सीरीज फील्ड का वोल्टेज और प्लस ब्रश का वोल्टेज, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हम लोग को ईएमएफ उत्पन्न पता चल जाता है।
तो हम लोग यहाँ पर इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो वीटी हो गया हम लोग का कितना 400। ये हम लोग का वोल्टेज हो गया टर्मिनल वोल्टेज, आर्मेचर और आर्मेचर करंट 102, आर्मेचर का प्रतिरोध, सीरीज फील्ड का पास वोल्टेज हो गया 102 इंटू 0.03 और प्लस में हो गया हम लोग का कितना ब्रश वोल्टेज 1 इंटू 2, 415.25 वोल्ट। तो हमको क्या निकालना था, आर्मेचर करंट जो कि हम लोग निकाल दिए 102 एम्पियर, और उसके बाद हम लोग को ईएमएफ भी निकालना था, तो ये ईएमएफ आ गया आपको 415.25 वोल्ट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक 10 किलोवाट का संट कंपाउंड जनरेटर पूर्ण लोड पर कार्यरत है और उसका टर्मिनल वोल्टेज 200 है। यदि आर्मेचर सीरीज फील्ड तथा संट फील्ड का प्रतिरोध क्रमशः 0.1 और 0.2 ओम है तो और संट प्रतिरोध का मान जो है वो कितना है 400 ओम है, तो उस कंपाउंड जनरेटर के द्वारा उत्पन्न जो ईएमएफ है उसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लोड करंट निकालते हैं, आईएल निकालते हैं। तो आईएल IL इज इक्वल टू P बाई V। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पावर और वोल्टेज दिया हुआ है तो हम लोग IL I निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है हम लोग का 10K और वोल्टेज कितना है 200, तो यहाँ लिखेंगे 50 एम्पियर। आईएल हम लोग का कितना हो गया 50 एम्पियर हो गया। अब हम लोग सीरीज फील्ड में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको निकालते हैं। तो सीरीज फील्ड का वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए आईएल इंटू आर ए सी वी आर एस ई कितना हो जाएगा, तो आईएल इंटू आर एस ई, तो आई एल हो गया 50 और आर एस ई कितना है 0.2। अब हम लोग क्या कर लेंगे, संट फील्ड के पास जो वोल्टेज है उसका मान निकाल लेंगे। तो डीएच कितना हो जाएगा, तो 200 प्लस ये 10 210, ये हम लोग का VSH निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब VSH निकल गया, हम लोग का संट वोल्टेज निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे संट का करंट निकाल देंगे। तो ISH बराबर क्या हो जाएगा, ISH बराबर VSH बाई RSH, तो VSH हो गया 210 और RSH कितना है हम लोग का 400। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे काटे तो हो गया 525 एम्पियर हम लोग का आ गया संट करंट। अब आर्मेचर करंट निकालेंगे, तो आर्मेचर करंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा आई एस एच प्लस आई एल, तो आई एस एच प्लस आई एल, तो आई एल हम लोग का कितना निकला है 50 एम्पियर और आई एस एच कितना हो गया, ये हो गया 0, तो आई एस एच हम लोग यहां लिख देंगे 0.525 प्लस ये 50 यहां वाला लिख देंगे, तो हो गया 50.525 एम्पियर। ये हम लोग का आर्मेचर करंट निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे,
आर्मेचर के पास वोल्टेज कितना है इसका मान निकालते हैं। तो आर्मेचर के पास वोल्टेज यथार्थ वी ए बराबर आई ए इंटू आर ए। तो आई ए कितना हम लोग का आ गया 50.525 इंटू आर ए हम लोग का कितना है आर्मेचर का 0.1। जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो आ गया 5.0525 वोल्ट। आर्मेचर के पास वोल्टेज भी हम लोग का निकल गया। अब हम लोग ईएमएफ निकालेंगे। तो ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि ईएमएफ भी ये कितना आया हम लोग का 5.0525। वीटी कितना है हम लोग का 200 पहले ही दिया हुआ है हम लोग का वीटी। वीटी यहां 200 दिया हुआ है तो 200 लिख देंगे। और वीएसई आ गया ये हम लोग का 10 वोल्ट। अब हम लोग क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे तो हो गया 215.0525 वोल्ट। यही हो गया हम लोग का आंसर। फाइनली आंसर ये हो गया। तो इस प्रकार आज के क्लास में हमने आपको कंपाउंड जनरेटर से संबंधित रिलेटेड जो क्वेश्चन था उस न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व कराया। आशा है ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी आईटीआई करने वाले दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। थैंक यू।